हम एक नया जीमेल अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस समझेंगे। सबसे पहले हम गूगल पे जीमेल सर्च करेंगे। यहाँ या तो आप क्रिएट ए जीमेल अकाउंट क्लिक करके सीधे नया अकाउंट क्रिएट करने वाले पेज पे जा सकते हैं, या फिर इस जीमेल वाली मेन लिंक को क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम इस लिंक को ही क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको क्रिएट एन अकाउंट बटन दिख रहा है, एक यहाँ नीचे और एक इधर ऊपर दाईं साइड। इस बटन को क्लिक करते हैं और फिर ड्रॉप डाउन से फॉर माई पर्सनल यूज सिलेक्ट करते हैं। यहाँ अपना फर्स्ट नेम लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ सिंघम लिख रहा हूँ। अब नीचे वाले बॉक्स में लास्ट नेम लिखना है, पर यह ऑप्शनल है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ दृश्यम लिख रहा हूँ। अब नेक्स्ट बटन क्लिक करते हैं। इस पेज पर हम अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, तो मैं यहाँ एक मंथ, डे और ईयर एंटर कर रहा हूँ। आपको यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ मैं मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट बटन क्लिक करते हैं। यहाँ मुझे जीमेल की तरफ से ईमेल एड्रेस चुनने के लिए कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप चाहें तो क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस सिलेक्ट करके अपना खुद का एड्रेस चुन सकते हैं। मुझे यह पहला ऑप्शन सही लग रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन क्लिक कर रहा हूँ। चलिए अपने जीमेल अकाउंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर देते हैं। तो यहाँ एक ऐसा पासवर्ड सेट करिए जो कम से कम 8 से 10 कैरेक्टर्स का हो। ऐसा पासवर्ड चुनें जिसमें अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स हों और जो आपको याद रहे। अब नीचे वाले बॉक्स में वापस से वही पासवर्ड एंटर करके पासवर्ड कन्फर्म कर देते हैं। फिर नेक्स्ट बटन क्लिक कर दें। SMS द्वारा अपना फोन नंबर वेरीफाई करने के लिए यहाँ अपना फोन नंबर एंटर करें। मैंने अपना 10 अंकों का फोन नंबर यहाँ एंटर कर दिया है। फिर नेक्स्ट बटन क्लिक करिए। आपके पास SMS पर एक कोड आएगा जो आपको यहाँ एंटर करना है। फिर नेक्स्ट क्लिक करने के बाद मुझे रिकवरी मेल ऐड करने के लिए पूछा जा रहा है। अगर यह ईमेल अकाउंट कभी सिक्योरिटी कारणों से लॉक हो जाए तब गूगल हमें रिकवरी ईमेल पर कॉन्टैक्ट करता है। फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। यहाँ मुझे मेरे ईमेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिख रही है, मेरा नाम, मेरी ईमेल आईडी और मेरा रिकवरी मोबाइल नंबर। यह वही फोन नंबर है जिसे मैंने अकाउंट क्रिएट करते समय इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद मुझे ये प्राइवेसी एंड टर्म्स वाला पेज दिख रहा है। नीचे स्क्रॉल करके मैंने आई अग्री वाला बटन क्लिक कर दिया है। अब जीमेल अकाउंट क्रिएट हो चुका है। मुझे गूगल की तरफ से एक ईमेल आई है जिसमें इस अकाउंट को यूज करने से रिलेटेड कुछ टिप्स हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से जीमेल अकाउंट बनाने में मदद मिली हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कोई डाउट है या आपके पास कोई सजेशन है तो कॉमेंट करके बताएं। थैंक यू।